गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज मेरे किचन में कुछ स्पेशल तो नहीं बना रही मैं, लेकिन स्पेशल नहीं है लेकिन सबकी फेवरेट है। आप लोगों को पता तो चली गई होगी मैं क्या बनाने वाली हूँ, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ मैगी, तो सबकी फेवरेट है, स्पेशल तो नहीं कह सकते। और सबको मैगी खाना बहुत पसंद है, किसी को कुल्लड़ मैगी पसंद है, किसी को चीज़ मैगी पसंद है, किसी को वेजिटेबल्स मैगी पसंद है। मुझे नॉर्मली फ्राई करके मैगी पसंद है। मैं कट कर लिए हैं, गोभी मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने गोभी ले लिया था, मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है और मैं अब बनाऊंगी मैगी। आप लोग मेरी रेसिपी। मैंने ले लिया कढ़ाई और मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसमें मैंने डाला है तेल। तेल डालने के बाद आपने जो वेजिटेबल्स डाला है आप वो ऐड कर सकते हो। मैंने गोभी और प्याज़ और टमाटर काटा था। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स आप वो डाल सकते हो और या आपको जो भी पसंद हो वो भी डाल सकते हो आप। मैंने पहले मिर्च डाला था, फिर मैंने गोभी डाली। गोभी को अच्छे से थोड़ी देर फ्राई होने दिया मीडियम टू लो फ्लेम में, ताकि गोभी थोड़ी सी पक जाए, कच्ची ना रहे। फिर आप उसमें टमाटर वगैरह मिक्स कर देना। मैंने सब एक साथ डाल के पानी डाल दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम में रहन दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और मैगी मसाला भी डाल देती हूँ मैं। फिर मैगी मसाला डालने में थोड़ा सा पानी का उबाल आता है और थोड़ी देर बाद मैं उसे चलाती हूँ और मैं उसमें मैगी डाल देती हूँ। बस 5 से 10 मिनट लगते हैं फिर इसके बाद, और मेरी मैगी तैयार हो जाती है। मैंने मैगी टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म। कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ ऐसी छोटी मोटी वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।